प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? मेटल्स एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा था, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, कौन सी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलती है, कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलती है, ये सारा अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन यहाँ पे कुछ दो नोट पढ़ने वाले, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर बार कहीं ना कहीं एग्जाम में ये वापस रिपीट होती है। तो पहला नोट देखते हैं कि कॉपर वेसल से आल्सो रिक्वायर्ड अ डल ग्रीन कोटिंग। जो कॉपर वेसल से उसके ऊपर आपने देखा होगा घर के जो अपने कॉपर के जो तांबे के जो घड़े हैं, अब सर्दियों का मौसम है तो मट्टी में तो कोई पानी रखता नहीं है, घड़ों में रखते हैं, तो जो कॉपर का जो घड़ा रहता है तो उसमें क्या होता है कि जो एक कोटिंग हो जाती है ग्रीन कलर की, डल ग्रीन कोटिंग, वो किसकी वजह से होती है? कॉपर हाइड्रोक्साइड की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, इन दो की वजह से होती है कोटिंग। दे आर एक्सपोज टू द मॉइस्चर, जैसे ही नमी में रखते हैं तो इसके ऊपर लेयर बन जाती है, यानी कॉपर का जो बर्तन है, कॉपर का जो पॉट है, जैसे अभी सर्दियों में अपने घरों में जो पानी रखा हुआ है घर पे, उसमें जो कोटिंग हो जाती है, अगर वो नमी युक्त पानी है, यानी अगर आसपास में नमी है, मॉइस्चर है, तो क्या होता है कि उसके ऊपर कोटिंग हो जाती है, डल ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, और वो किसकी वजह से होती है? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की कोटिंग होती है, इसकी वजह से ये डल हो जाता है। देखो ये होता कैसे है, जैसे ये कॉपर है, ये अपना घड़ा है, कॉपर मेटल है, अब नमी कह रहे हैं, नमी एक्सपोज टू द एयर, जैसे नमी में, तो नमी में वाटर मॉलिक्यूल भी होंगी, गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी, ऑक्सीजन भी मिलेगी, तो ये आपस में तीनों कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बना रहे। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या मेन याद रखना है कि जैसे कॉपर जो वेसल से है वो उसके ऊपर कोटिंग हो जाती है ग्रीन कलर की, डल ग्रीन, मतलब बिल्कुल अच्छा वाला ग्रीन होता है, डल होता है, तो वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट होता है। ठीक है, एक और नोट पढ़ने वाले, ग्रीन कोटिंग कैन बी कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड की भी हो सकती है, इफ द कॉपर रिएक्ट विद द सी वाटर। यहाँ तो क्या है, नॉर्मल मॉइस्ट वाटर, अगर समुद्र के वहाँ पे मराइन वाटर है तो वहाँ पे आपको कॉपर क्लोराइड की कोटिंग मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मराइन वाटर होता है उसमें मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये आयन्स मिलते हैं, तो वहाँ क्लोराइड आयन भी होता है, तो वो कॉपर क्लोराइड बना सकता है। ठीक है, और कॉपर एसीटेट भी बना सकते हैं, व्हेन द कॉपर रिएक्ट विद एसीटिक एसिड, एसीटिक एसिड से अगर कॉपर रिएक्ट कर देगा तो क्या बनाएगा? कॉपर एसीटेट। देखो ये एसीटिक एसिड का फॉर्मूला है, तो ये इसके ये आयंस में कैसे टूटता है, ऐसे टूटता है, तो जैसे ये आयंस में टूटा इसका नाम हो गया एसीटेट, और ये हाइड्रोजन आयन, तो जैसे इसके साथ क्या रिएक्ट हो जाएगा, कॉपर का क्या नाम हो जाएगा, कॉपर एसीटेट, कॉपर एसीटेट, ये है कॉपर एसीटेट, और ये फॉर्मूला किसका है, एसिटिक एसिड का। तो अगर मराइन वाटर है तो कॉपर क्लोराइड हो जाती है, और कॉपर एसीटेट भी बना देता है अगर एसिटिक एसिड से रिएक्शन करता है तो। ठीक है बच्चों, तो ये दो नोट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब अपन चल रहे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टी, अब अपन पढ़ रहे केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें पहला पढ़ रहे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर मेटल क्या क्या दिखाता है। ठीक है, तो यानी रिएक्शन विद एयर, एयर में क्या होता है, मेनली अपन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को देख रहे हैं, तो मेटल फॉर्म दिया ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जैसे ही मेटल के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होती है तो मेटल ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, जैसे ये मेटल है, मेटल के साथ ऑक्सीजन हो गया तो मेटल ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ठीक है, जैसे कॉपर है, कॉपर के साथ जैसे ही ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो ये कॉपर ऑक्साइड, देखो यहाँ पे दो कॉपर है और दो ऑक्सीजन, ये भी दो कॉपर और दो ऑक्सीजन, ये यहाँ पे अगर मैंने ऊपर लिखा है इसका मतलब ये दो ऑक्सीजन है और दो कॉपर है,
वैसे केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हमेशा मोल के फ्रैक्शन में होती है, यानी मोल अनुपात में होती है। ये रिएक्शन ये बताती है कि दो मोल कॉपर एक मोल आपस में रिएक्ट करके दो मोल कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं, यानी रिएक्शन हमेशा मोल के रूप में होती है। उसी तरह से देखो, ये तो हो गया कॉपर के साथ ऑक्सीजन, अगर एल्यूमिनियम है एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे कितने एल्यूमिनियम है, चार। यहाँ पे भी देख लो, दो ये अभी ये हो गया मल्टीप्लाई तो हो गया चार। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ छह है, तीन इंटू दो छह। यहाँ पे भी देखो तीन इंटू दो छह, ठीक है। फिर मैग्नीशियम को देख लो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आयरन है, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, यानी ये रहा आयरन, ऑक्सीजन तो थोड़ी सी नमी भी है उसका, उसका भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, क्या हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बना दिया, ठीक है। एक नोट और है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है जिसके बारे में, कि जैसे मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, और मेटल के बारे में आपने क्या पढ़ा, इसको आप कितना पीट कर सकते हैं, आप इसकी मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी के बारे में पढ़ा, यानी आप इसको इतना पीटोगे तो क्या हो जाएगा, थीन शीट बन सकते हैं। तो आपने क्या लिया, मैग्नीशियम रिबन, रिबन ले लिया, यानी आप एक रिबन बना दिया, रिबन जैसे 15 अगस्त के दिन अपने रिबन बांधते हैं, वैसे मेटल का आपने रिबन बना दिया। अब जैसे आप उसको बर्न करोगे तो वाइट ऐश बनाएगा, सफ़ेद राख, क्या बनाएगा, वाइट ऐश। जैसे मैग्नीशियम रिबन को आपने गर्म किया, हीट किया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाइट ऐश। अब वाइट ऐश आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, ये जैसे मैंने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने वाइट ऐश को डाला और आपने पानी डाल दिया उसमें, यानी जल डाल दिया, H2O डाल दिया, जल डाल दिया, ठीक है। अब देखो आप एसिड और बेस के बारे में टेस्ट के लिए आप लिटमस पेपर का एक टेस्ट, अगर कोई एसिड होता है तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और अगर बेस होता है तो वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, दोनों ऑपोजिट होते हैं। तो देखो जैसे आपने इस टेस्ट ट्यूब में पाउडर को डाल के, जल डाल के इसको अच्छी तरह से सॉल्यूशन बना दिया, अब आपने क्या किया, फिल्टर रेड लिटमस पेपर लेके इसमें डिप किया, तो जैसे ये रेड था इसका कलर इसमें चेंज हो गया ब्लू कलर में, यानी इससे एक बात क्या साबित होगी कि ये सारे क्या था, मेटल के ऑक्साइड थे, और ये मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर, ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर, मेटल था ऑक्साइड, ठीक है। इसका पाउडर बना के जैसे आपने उसको ये वाइट एस बन दिया, जैसे जल के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, तो जो सॉल्यूशन बना उसका अपन टेस्ट करें कि ये जो मेटल ऑक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है, तो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर, ठीक है। बच्चों इसे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।